इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां बेगूसराय पुलिस ने बीरपुर में IDBI बैंक लूट कांड का उद्भेदन किया है। बेगूसराय SP के निर्देश पर सदर DSP राजन सिन्हा के नेतृत्व में जिले के अलग अलग थाने के संयुक्त छापेमारी के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से 4 समस्तीपुर जिले का रहने वाला है और 1 बेगूसराय के नौनपुर का रहने वाला है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 1 गोली, 2 खोखा, लूट की घटना में इस्तेमाल किया हुआ 3 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल और 19,000 रुपये भी बरामद किया है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर की दोपहर में बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पर्रा IDBI बैंक में अपराधियों ने हथियार के बल पर 6,65,570 रुपये लूट लिए थे। दिनांक 16 दिसंबर को बीरपुर थाना क्षेत्र के सरौंजा गांव में IDBI बैंक के शाखा से लूट की घटना हुई थी। 6,65,000 रुपये करीब वहां से लूटे गए थे अपराध कर्मियों के द्वारा। उस पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके उसके उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और लूटी गई राशि की बरामदगी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था SDPO सदर राजन सिन्हा के नेतृत्व में, जिसमें कई थाना के थानाध्यक्ष थे, सर्कल इंस्पेक्टर बरौनी थे और तकनीकी शाखा जो बेगूसराय जिला की है वो थी। इस दल ने निरंतर 16 तारीख से जब से घटना प्रतिवेदित हुई उस समय से लेकर निरंतर उस पर काम किया गया। अपराधियों के रिट्रीट को फॉलो किया गया, मैनुअल इनपुट्स कलेक्ट की गई और इस परिश्रम के का नतीजा ये रहा कि इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ। इसमें संलिप्त जो 5 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है और लूटी गई राशि में से 19,000 रुपये कुछ बरामद हुए हैं। अपराधियों के पास से पूछताछ के बाद अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद हुआ है और लूट की घटना में प्रयुक्त की गई 3 मोटरसाइकिल, इसको भी जब्त किया गया है। जो 5 अपराधी हैं इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। इसमें पूछताछ के बाद ये पता चला कुल 10 अपराधी थे इस पूरी घटना को, आपराधिक षड्यंत्र रचकर इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 के विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं 5 व्यक्ति, इसमें से 4 समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं और 1 बेगूसराय का भी गिरफ्तार हुआ है, पंकज कुमार तेगा थाना का। शेष जो बच गए हैं 5, उनमें से भी मैक्सिमम लोग समस्तीपुर जिला के ही रहने वाले हैं और 1 और व्यक्ति यहाँ बेगूसराय जिला का है जिसने काम किया था इस पूरे घटना को अंजाम देने में, उसके विरुद्ध छापेमारी चल रही है। इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास इन लोगों के विरुद्ध नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपराधिक इतिहास है तो उसको। इस पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत से लगातार 9 दिनों से निरंतर दिन रात एक करके काम किया और इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र हैं और इनको हमारे स्तर से भी पुरस्कृत किया जा रहा है, साथ ही इनको वरीय पदाधिकारियों को भी भेजा जा रहा है, इनको उचित पुरस्कार देते हैं।